रही है, पापड़ की पिटाई बेलन से हो रही है, जैसे मम्मियां मारती है ना। मतलब पापड़, यार पापड़ तो वो कहते हैं ना जिसे नेसेसिटी है किसी भी खाने की। हाँ। और इन्होंने खाने के मुझे कहना पराठे के अंदर ही पापड़ कर दिया, और उसके अंदर पापड़ में अभी इन्होंने स्पाइसेस मिक्स किए हैं भैया जी। वाली गली है छत्ता, मदन गोपाल आपका वो कौन है जी, अक्षय कुमार जी है ना। हाँ जी, इसी गली चांदनी चौक टू चाइना। हाँ तो जी, इन्हीं गलियों में खेल के बड़े हुए, आज हमें वही पराठे खाने का मजा आएगा। तो इसके लिए हम आए हैं पंडित कन्हैया लाल दुर्गा प्रसाद दीक्षित, पराठे वाली गली पे घुसने के साथ ही। ये शॉप एस्टेब्लिश्ड है 1875 से 1875। 1875 मतलब मेरे दादाजी भी नहीं पैदा हुए होंगे उस टाइम पे। ठीक है, तो इतनी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, मतलब कि जो इनके। अच्छा, जनरली मैंने देखा पराठों का सीन ना बहुत चेंज हो गया है। अब मैं देख रहा हूँ जितने भी पराठे वाले हैं वो जनरली आलू प्याज का पराठा पहले दिया करते थे जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे। अब यहाँ पे चीज पराठा है, अभी यहाँ पे कॉर्न पराठा है, अभी यहाँ पे करेला पराठा है, भिंडी पराठा है। हाँ, तो अभी हम देखने वाले हैं कि हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, कंचन और मेरी मिक्स चॉइस जो कि कभी सेम नहीं होती है। आज देखते हैं कि पराठे में कहां हम जब मिलते हैं, कहां तक हम मिलते हैं, कहां तक हमारी सोच मैच करती है। तो आ जाओ जल्दी से। तो भैया आप क्या करने वाले हो, क्या कर रहे हो? ये मिक्स वेज मसाला है। क्या क्या इसमें? हाँ, इसमें गोभी है, मूली है, वो मटर है, दाल है, पापड़ है, पनीर है। तो इस पराठे को नाम क्या दिया आपने? मिक्स वेज। मिक्स वेज पराठा। प्राइस क्या है इसका? प्राइस रेट 70 रुपये है एक। 70 रुपये की प्लेट है? 70 रुपये का, 120-140 का प्लेट है। सिंगल पीस है 70 रुपये का। सिंगल पीस 70 का, प्लेट है 140। 140 का। हाँ, आइए चलते हैं, टेस्ट करते हैं यहाँ का पराठा। पापड़ निकाल लेना रे। पापड़ क्यों निकाल रहे हो भैया? ये पापड़ का पराठा बनाएंगे ना, ये फ्राई करेंगे। फ्राई करेंगे, बड़ा मस्त पराठा होगा पापड़ का। ये अभी पापड़ का पराठा, देखो पापड़ तो हम लोगों ने आपने बहुत खाए होंगे, ठीक है, बट ये यहाँ पे आज हम पापड़ का पराठा खाने वाले हैं। तो विच इज़ अमेजिंग कि भाई हाँ चलो कुछ हटके मिल रहा है। अच्छा मैं देखो, ये आप जो जनरल जो चांदनी चौक का सीन है ना, जो ये पराठे हैं ये मुगलई पराठे स्टाइल में बनाए जाते हैं, कढ़ाई के अंदर में, जिसे कहते हैं कि तेल के अंदर में बात करके नहला के। तो भैया ये तेल कौन सा यूज हो रहा है इसके? देसी घी बता दिए। ये देसी घी यूज है। अच्छा, इसलिए चांदनी चौक वाले लोग ना देसी घी खा के और इतना लंबा जीते, तभी यहाँ की सेहत का राज जो है देसी घी है। बहुत बढ़िया। पापड़ की पिटाई बेलन से हो रही है, जैसे मम्मियां मारती हैं ना। मतलब पापड़, यार पापड़ तो वो कहते हैं ना जिसे नेसेसिटी है किसी भी खाने की। हाँ। और इन्होंने खाने के मुझे कहना पराठे के अंदर ही पापड़ कर दिया, और उसके अंदर पापड़ में अभी इन्होंने स्पाइसेस मिक्स किए हैं भैया जी। मसाला पड़ रहा है। तो जी ये भैया के सीक्रेट मसाले हैं। पापड़ वाले पराठे खाओगे? यार मैं बताऊँ, मैं चांदनी चौक कम से कम, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ले वही पीयूष। हाँ, मजेदार। ये फ्रेशनेस जो होती है ना मसाले की, बहुत बढ़िया आ रही है, वो सिंपल सी मुंह में आ रही है। भैया ने इतना सा ये खिला के ना हमें, हमारे अंदर और ज्यादा एक्साइटमेंट कर दिया है कि हमें, अभी तुमने ये थोड़ा सा टेस्ट किया है जिसका इतना बढ़िया फ्लेवर आ रहा था मुँह में। अच्छा, ये वाले जो पराठे हैं ना, ये सिर्फ आपको दिल्ली पराठे वाली गली में ही देखने को मिलते हैं। मेरे ख्याल से ऐसे पराठे और तो इंडिया में कहीं नहीं मिलते हैं।
इतने बड़े मैंने पराठे दे वीकेंड से लाइक मतलब हमारे यहां मतलब हां यार मैंने हम बड़े-बड़े पराठे अक्सर हमने कितने भी पराठे खाए हैं बड़े पराठे खाए होंगे। तो लो जी ये आपके पंडित कन्हैया लाल दुर्गा प्रसाद दीक्षित जी के यहाँ पे जो हमने पराठे ऑर्डर किए थे ये हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा निकल के आ गए हैं क्योंकि हमने सिर्फ पराठे ऑर्डर किए थे। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ थाली आ गई है, पूरी थाली आ गई है, दो तीन टाइप की सब्जी है, सलाद है, चटनी है, मीठी चटनी अलग है, हरी चटनी अलग है और जी साथ में है पराठों के साथ लस्सी। हाँ तो मतलब इस हिसाब से मुझे इतना मिलना चाहिए, मेरे से 150 साल बड़ी है, ठीक है। तो ये गरम गरम पराठे बिना बात किए हम इसके बारे में इसको खाते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। मुझे भूख लगी है। तो जी ये जो पराठा है ये है मिक्स वेज वाला पराठा। ओके ये है जी आलू की सब्जी अपनी, आलू ये आलू और छोले की सब्जी है, चटनी लगाई है और इसको अब मैं अपने मुंह में ले जाऊंगी। भाई बेहतरीन, ये काशीफल की सब्जी है। क्या ये यहाँ पे काशीफल की सब्जी के लिए जरूर आना है आपको, जो कहते हैं ना प्रभुत्व की प्राप्ति, देसी सब्जी होती है ना एकदम गांव खेड़े वाली सब्जी जो होती है वो सब्जी है। खाने को खा के लगता है ना मैं सन्यासी बन जाऊंगी, संतों वाला खाना लग रहा है, ऐसा टेस्ट आ रहा है। जहाँ तक मेरा अंदाजा है इस खाने के अंदर में तो प्याज नहीं मिल रही, नहीं शायद यूज हुआ है, नहीं है बिल्कुल, मैं आई कैन बेट ऑन इट, इसमें प्याज नहीं है, इसमें लहसुन नहीं है, पानी की शुद्धता उससे पता चलती है। ये जो है ना ये पिकल सैलेड है, पिकल सैलेड। तो हाँ बोल बोल, जरूर रिकमेंड करना चाहूंगी आप यहाँ पर आए और ये बढ़िया से छोटे पराठे जरूर ट्राई करें और ट्राई करके हमें कमेंट बताएं, हमारी वीडियो को शेयर करिए, हमारी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करते रहिए, कमेंट करके हमें जरूर बताइए छोटे पराठे आपको कैसे लगे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन आप हमको फेसबुक पे बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, याद रखिए हम यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे इक्वली एक्टिव हैं, तो प्लीज़ जाके वहाँ पे भी हमारा पेज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमें बताइए आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन ताकि हम वहाँ तक पहुँचे और आपको लिए लेके आए बेस्ट फूड।